नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के नौ रूपों की आराधना के लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है, इसलिए इस दौरान प्याज लहसुन न खाने जैसे बहुत से नियमों का पालन किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दौरान पति पत्नी का एक दूसरे के करीब आना भी वर्जित माना जाता है, और आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं नवरात्रि के दौरान पति पत्नी को क्यों नहीं आना चाहिए एक दूसरे के करीब। किंतु आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिए। पहला, ऐसा माना जाता है कि इस दौरान संबंध बनाने से मन विचलित रहता है, जिस कारण पति पत्नी का मन पूजा में नहीं लगता। ऐसे में माँ की पूजा भी अधूरी मानी जाती है, जिससे आपको माता रानी का क्रोध देखना पड़ता है। दूसरा, नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोगों में ऊर्जा की कमी होती है, इसी वजह से शरीर में मानसिक और शारीरिक तौर पर संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होता। यही कारण है कि इस दौरान डॉक्टर भी संयम रखने के लिए कहते हैं। तीसरा, नवरात्रि में मौसम में बदलाव होता है, यही वह मौसम होता है जब सबसे ज्यादा संक्रमण होने का खतरा बना रहता है, इसलिए भी इस दौरान यौन आचरण से बचने के लिए कहा जाता है। चौथा, माना जाता है कि इस दौरान माता रानी का अंश हर स्त्री में मौजूद होता है, यही वजह है कि इस समय सुहागन महिलाओं को सुहाग सामग्री देने की भी परंपरा है। इसलिए नवरात्रि में पति पत्नी को खुद पर संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है। आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि पति पत्नी को नवरात्रि में यौन संबंध क्यों नहीं बनाना चाहिए। आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें।